जी पिंड मध्य प्रदेश तो अरविंद दब्बू पिंड मध्य प्रदेश चो ने वह भी आके अपने विचार साझे कर इन्हों तो अगे ठाणा सिंह जी मोगे तो उन्होंने अपना एक गीत पेश करना है वह भी तैयार रहन। दोस्तों थोड़ी देर बैठे रहिंदे खाड़ा गर्म किया भाजी होना ने बहुत चंगा बोल के गए साढ़े अंदूरे सुपने आ सन 47 तो ला के अज ताई असी सोचा नहीं रब नू मनन वाले लोग हाँ शहीदा नू मनन वाले लोग हाँ पर वोटां वेले वोटां पाउण वेले असी चोरां दी बुक्कल च जा वड़ने झूठे लोगों नू वोट पाउने आ। मैं तुहानू वैसे मैं भगत सिंह नहीं गा पर भगत सिंह का दिता संदेश सुनाउण जा रहा अज मेरे दिल अंदर वो चीज़ा पैदा हुई मैं लिखता मैं थोनू सुना जा रहा तुसी तां मत के 70-72 साल घाटा ही खादा अज आ सड़क ते आउण लई मजबूर तले ही होए आ जदों अगलिया ने हुण तुहाडे गले नू फांसी पा ली आ। तुसी मेरे बन जाओ तां मैं भी बन जा फिर कहिंदे थोड़ा हक लै लावे सज्जणा कहिंदे देख तौण विच गोडा ए राज कालिआं दा वे कहिंदे तैनू रास नहीं आया हक खोले थार वे नहीं कदर कोई पाया कर दे बदनामी वे तेरी नहीं कीती कद सोभा हक लै लावे सज्जणा कहिंदे देख तौण विच गोडा तू वारिस भारत दा वेखा तू लुट्टण तैनू लटेरे सड़कां ते रोडे आवे बच्चे पढ़े लिखे जो तेरे तैनू दबलिया करजे ने नहीं रहा उठण जोगा हक लै लावे सज्जणा कहिंदे देख तौण विच गोडा दुख वरगे बहुत वे 70 साल मसाई बीते वोटां है लै जांदे पुल फिर जांदे वादे कीते जद मिल जे कुर्सी रे बस फिर तैनू समझण घोगा हक लै लावे सज्जणा कहिंदे देख तौण विच गोडा इक जलालाबाद जावे सच है लिखदा सच सुनावे लोकी जागण सुते तां कहिंदे फिर आजादी आवे थाने मर जाने दा मैं तां जला सुनिया मोगा हक लै लावे सज्जणा कहिंदे देख तौण विच गोडा इनकलाब इनकलाब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। अरविंद दुब जी अपने पिंड मध्य प्रदेश तो उस स्टेज ते आउण इन्हां ते बाद अपने सतनाम सिंह जी अजनाला सूबा प्रधान ने जमहूरी किसान सभा दे वह भी तैयार रहन। सतनाम सिंह जी अजनाला सूबा प्रधान। हेलो, ये समाज संसार बोलता है कि अन्याय होता है हमारे साथ, तो पूरे संसार में अगर किसी के साथ अन्याय अगर हो रहा हो तो यहाँ खड़ा करिए, हम बताते हैं कैसे अन्याय हो रहा है। खड़ा करो, यहाँ कौन होगा अन्याय? जैसा अभी वो बोल रहे थे भाई कि किसी के साथ अन्याय हो तो मेरे को बताइए, हम उसके साथ हैं, किसान के साथ हैं। अरे कोई किसान के साथ नहीं होता है, हम मंच पे आकर सब बोलते हैं। हम दबोए से आए भिंड जिले से, तीन दिन से चल जा रहा है कि हमें कोई माइक में बोलना है, तो किसी ने बोलने की अनुमति नहीं दी, ताकि हम भी किसान हैं। हम भी किसान होने पर भी अपनी माँ को खेत पर बैठा के आए हैं कि चलो किसान भाई यहाँ बैठिए, थोड़ा हम भी बोल के आते हैं। तो माँ ने भी हमने मना किया था, यहाँ कोई किसी का नहीं होता संसार में। लेकिन मैं बोला एक बार जाने दो बस, जिससे भगवान भी ये ना कह सके कि हमने बोलने की दम नहीं रखी। जैसे अभी वो भाई बोल रहे थे किसके साथ अन्याय हो रहा, अरे माएँ बहनें आप कान थोड़ा खोल के सुनिएगा ध्यान से, दोबारा मौका नहीं मिलेगा सुनने को। हमें मालूम है कि दोबारा हम जीने वाले भी नहीं यहाँ सृष्टि में। सबसे ज़्यादा अन्याय किसी के साथ अगर होता है यहाँ तो हम लोग बच्चों के साथ होता है। इस दिल्ली में हर साल कम से कम 10,000 बलात्कार होते हैं, एक बलात्कार नहीं होता 10,000 बलात्कार होते हैं, जिसमें पुलिस वाले बैठ के देखते हैं तमाशा। कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, ये नेता नगरी वाले आते हैं पैसा मिल जाता है बोल के चले जाते हैं, कोई किसी की हमदर्दी नहीं लेता यहाँ पे कि कोई हमदर्दी लेने वाला हो। यहाँ जो भी आते हैं खाली अपना मुंह बजा के चले जाते हैं। किसके साथ अन्याय हो रहा है हम बताओ? अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए ना तो परमात्मा को भी उल्ला लेंगे हम।
किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। जिसको भगवान चलाता हो, धरती पर बना के भेजा हो, हाथ पैर सलामत दिए हो, उसे किस बात का गम। किसान को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, खाली किसान को अपने बच्चे को अगर प्रेम से बोल दिया होता ना, और भी जितने भी जवान खड़े हैं पूरे जवान लौटाते घर पे, पुलिस वाले में जितनी नौकरी लगी ना वो भी वापस लौटाते। एक बार प्रेम से बोला होता कि हमारे बच्चे हमें तुम्हारी जरूरत है तो घर लौटाते वो, लेकिन अपन यहाँ चले आए ना तो वो बच्चे भी लड़ने के लाने यहाँ बैठ गए, क्योंकि अपन ने अपने बच्चों को पढ़ा के लिखा के यहाँ भेज दिया, वो कलेक्टर बन गए। खेती करने कलेक्टर वाले नहीं जाते, ना कोई डॉक्टर जाता है, खेती करने हम जैसे बच्चे जाते हैं। और अब लगता है हमारे बच्चे खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चे, खेती नहीं कर पाएंगे। अब हमारे बच्चे तो बच्चे, सारे संसार के बच्चे मर जाएंगे ऐसे तो भूखे एक दिन, अगर आज भी नहीं सुधरे ना तो कभी सुधर नहीं पाएंगे सृष्टि में। कहते किसान है, किसान है तो कौन सुनता है यहाँ किसी, कोई नहीं सुनता यहाँ किसी की है? देखने आते सब लोग, देख के चले जाते हैं, हम भी कहाँ से कहाँ आ गए बताओ। वो बोल रहे थे अन्याय, अरे अन्याय उसके होते हैं जो 12 बच्चे होते हैं शुगर के, जो अपन खाते तो हैं, हंगते तो हैं, लेकिन उनको खिलाते नहीं कभी, क्योंकि अपन अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना पेट ऐसा नहीं भरेगा यहाँ। उसे बताता ना सबके पेट दिए हैं और सबके बच्चे दिए हैं, किसी के बच्चे भूखे मरते किसी के पेट भरते हैं, तो ऐसा नहीं होता यहाँ। उस सृष्टि में कह रहे ना कि बीमारी वो बीमारी नहीं फैली, इस धरती पर हम उतरे हैं। अब हम तो सबको बताते हैं अन्याय कैसे होता है, अन्याय कैसे होता है। इस सृष्टि को जाने में 40 साल हैं, अगर कोई बचा सके संसार में तो बचा ले। वो बनाने वाला भी कहता है कि चिड़ियों संग में बाज लड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, 125,000 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं, अकेले लड़के दिखाएंगे हम, देख लेना तुम। अकेले अगर तुम्हारे बाप को संसार को अगर ना ला दें तो अपने पहले बाप की पहली औलाद, उस परमात्मा का ये अंश नहीं, उस परमात्मा ने भेजा है हमें, बोले जाओ अगर तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़े तो हमें आह्वान देना, हमने अगर बनाया है तो भी कहते नहीं, अरे धरती माँ है, अगर माँ से अगर प्रेम से भी बात करोगे ना धरती, तो धरती भी डोल जाती है। ये धरती डोल रही है जाने के लिए, ये धरती जाने डोल रही थी, और पंजाब और पाकिस्तान दोनों पाताल में जाने के थे, तो ये तो तुम लोगों को खींच रखा है हमने यहाँ तक। अगर तुम्हें देखना हो तुम बताओ क्या करके दिखाएं, वही करके दिखा देंगे हम। क्या तुम्हें किसी को लग रहा है संसार में कि अन्याय हुआ हमारे साथ, तो आगे हमें बताओ किसके साथ अन्याय हुआ यहाँ। अगर अन्याय अगर हुआ है तो उस परमात्मा के साथ, उसने जीव जंतु सब तो बनाए, तुम तो अपना पेट भर लेते हो, लेकिन बेचारे जानवर देखो जानवर की हालत की है, किसके कारण? पैसे के कारण, खाली पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। अरे पैसे को क्या करोगे? माँ बताओगे, सुबह से आदमी उठता है ना तो कैसे बोलता है पैसा, माँ बहन को गाली देता है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता है। उससे राम राम भी करोगे ना तो बोलेगा, अभी हम बोल नहीं सकते माई पे कि अगर हम बोलेंगे तो आप लोगों को सबको बुरा लग जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए हमें क्षमा कर देना और माफ कर देना, अगर जैसे लगे गलत है तो शीश काट के तुरंत ही हमारा भेड़ चढ़ा देना, हमें कोई गर्व नहीं होगा। ये आदमी से कुछ राम राम बोलो ना तो सुबह बोलता है मादर चोद, बोलता है भोसड़ी का, वो बोलता है बहन चोद। अरे क्या माँ बहन को तुम गाली देते हो? जैसे बहन भाई से रखती बार आंखें बंधवाते ना, उसी बहन भाई को तो गाली देते हैं। भाई साहब ये स्टेज बहुत बड़ी है, साड़ी मजबूरी है, पहले तो तुमने बोला कि टाइम नहीं देते, 3 दिन हो गए हैं, जो पर्ची लिख के भेजते हैं हम स्टेज सेक्रेटरी वो टाइम देते हैं, कोई मेरा रिश्तेदार जहाँ स्टेज सेक्रेटरी का रिश्तेदार भी यहाँ पर आ जावे उसको टाइम ऐसे नहीं मिलता, जो आगुओं ने यहाँ टाइम टेबल बनाया है स्टेज सेक्रेटरी वही बोलता, वही पर्ची बोलता, अपने कोलो कोई नहीं बोलता। इतने गाल कढ़ना जो साड़िया भैन बैठिया ने, संदेश बहुत गलत जाता, हम तुमको टाइम दे दिया, आपका बहुत धन्यवाद, तुसी बात जड़ी जड़ी की। हुण मैं बेनती करांगा स्टेज सेक्रेटरी नूं, असीं इन गालां दी आप तो माफ़ी मंगने हां,